हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे, क्योंकि पिक अ कार्ड रीडिंग मैं रोज़ करूँगी। एक कम से कम पिक अ कार्ड रीडिंग मैं रोज़ करूँगी, और बाकी कलेक्टिव रीडिंग ही रहेगी, क्योंकि पिक अ कार्ड रीडिंग में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, और अभी जो है मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है। सो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लो प्लीज़। सो गाइस, ये हम जो रीडिंग करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी फीलिंग और उनकी फीलिंग क्या रहने वाली है। तो इस पे हम रीडिंग करेंगे। सो इसके लिए मैंने आपके सामने टू पाइल्स रखी है, पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। देखिए, ये पाइल नंबर 1 है, मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ ताकि पाइल आप लोग को अच्छे से दिखे और आप लोग अच्छे से चूज़ कर सको। सो ये है पाइल नंबर 1, दिख रहा है आप लोगों को पाइल नंबर 1, और ये है पाइल नंबर 2। सो देखो आप लोग, जो आपको अट्रैक्ट करती है ना, जो अच्छी लगती है, उस पाइल को आप लोग चुनो। और टाइम स्टैम्प मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, मैं ये भी बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, सबके साथ हर बात रेजोनेट नहीं करेगी, इस बात का भी आप लोग ख्याल रखो। कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये रेजोनेट ही नहीं करती है। तो ये रीडिंग मैं आपके लिए सिर्फ नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसे भी समझें। और जिन्हें पर्सनल रीडिंग लेनी है, एक्यूरेट रीडिंग, पर्सनल रीडिंग एक्यूरेट होती है। सो जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। कैसे बुकिंग को कंफर्म करनी है ये भी आपको बता दिया जाएगा वहीं पे, ठीक है। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। इनको मैं साइड रखती हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। जिन्होंने द गार्डन एंड द गेट का कार्ड चूज़ किया है उनकी रीडिंग हम करते हैं। सो मैं इनसे आपके पर्सन की फीलिंग को चेक करूंगी और इससे आपकी फीलिंग को चेक करूंगी। सो पहले हम आपकी फीलिंग देखते हैं, उसके बाद आपके पर्सन की फीलिंग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपसे मैच जो है ना, आपकी फीलिंग आपको पता चल जाएगी। ये तो नेक्स्ट 48 आवर्स की है, तो दोनों की फीलिंग ही अलग अलग रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। देखते हैं क्या फीलिंग रहेगी। चलिए, मैं ये पता नहीं ये सॉन्ग क्यों, शायद किसी के लिए स्पेशली उनके पर्सन जो है ना गाते होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी फीलिंग। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स का कार्ड। इनको हम रखती हूँ मैं साइड, और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग क्या है। दोनों ही कार्ड्स को मैं निकाल लेंगी, उसके बाद मैं आपको एनर्जीज बताती हूँ, ठीक है। आपकी तो एनर्जी मुझे काफ़ी सैड दिख रही है, बॉटम ऑफ द डेक देख करके बहुत टेंशन में हो आप लोग। कुछ से निकलना चाहते हो, किसी लग रहा है कि कहीं मैं फंसा हुआ हूँ, कहीं फंसी हुई हूँ और वहाँ से मुझे निकलना है, लेकिन आप लोग पता नहीं चल रहा है ना। सो यहाँ पे कार्ड है मेरे पास 7 ऑफ द चैरियट का कार्ड है। इतने सारे कार्ड्स मैं कैसे लूँगी, चलिए मैं इन कार्ड्स को नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं। कार्ड्स हो गए और मैं 2 कार्ड्स को निकालूंगी, बस हो गया। नाइट ऑफ जो है ना स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, सो इनको मैं रखती हूँ यहाँ पे। और ये तो कार्ड आप लोगों ने देख ही लिया। सो चलिए मैं आपकी एनर्जी पहले देखती हूँ क्या है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के
द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे मैं, चलो मैं ऐसे ही लेती हूँ। और थ्री ऑफ वैंड्स, उसके बाद है द डेविल, ओके। इसके यहाँ पे है द एम्प्रेस के, यहाँ पे है वन ऑफ स्पीयर, उसके बाद है द हैंगमैन, और यहाँ पे है फर्स्ट ऑफ मून, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग हम। सो गाइस, पहले मैं आपकी एनर्जी देख करके बताती हूँ। एनर्जी ये वाइस वर्षा हो सकती है, आपकी एनर्जी उनकी, उनकी एनर्जी आपकी हो सकती है, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा आप बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा, सो थोड़ा सा आप लोग घर में लोग बहुत ज़्यादा हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है मुझे कि आपको अपने पर्सन पे ना ट्रस्ट नहीं है। आप जो है ना, इन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी फीलिंग ऐसी रहने वाली है कि आप अपने पर्सन पे ना ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसी बातें होंगी कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे मैं साइन बता दूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे एयर साइन है, फायर साइन है, ठीक है। सो यहाँ पे एयर साइन और फायर साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी ये जो है ना साइन हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपकी जो है ना एनर्जी ऐसी रहने वाली है, और आपकी रहेगी ना कि ऐसी एनर्जी रहेगी कि आप खुल के जो है ना अपने पर्सन से बात नहीं करोगे, ठीक है। जो सच्चाई है ना, सीक्रेट कुछ आपको पता चलेगा और उस सीक्रेट को ना आप दबा के रखोगे, मतलब अपने पर्सन से बताओगे नहीं। इस 48 आवर्स में ना आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जो कि जिसका कोई आधार नहीं है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप दोनों में, इस वजह से मुझे यहाँ पे ट्रस्ट इशूज लग रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना आप लोगों के बीच में क्रिएट करेगा, दोनों को ही अलग करने की चाहत रखेगा वो, क्योंकि यहाँ पे द डेविल का भी कार्ड आया है। सो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहेगी आप लोगों में इन नेक्स्ट 48 आवर्स में, और आप लोग समझ नहीं पाओगे कि मुझे क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, और ये दिख रहा है कि आपके पर्सन या आप जो ना, आपकी रीडिंग में कर रही हूँ, तो आप ना इंतज़ार कर रहे हो अपने पर्सन का, ठीक है, वेट कर रहे हो अपने पर्सन का, लंबे समय से वेट कर रहे हो। लेकिन देखो यहाँ पे जो है ना थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी जो है ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना आप लोगों के बीच में क्रिएट करने की कोशिश करेगी, और इसी में जो है ना आपका ट्रस्ट जो है ना अपने पर्सन के ऊपर थोड़ा जो है ना वो डगमगाने लगेगा। तो यहाँ पे मुझे ट्रस्ट इशूज दिख रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी यहाँ पे जो मुझे दिख रही है, यहाँ पे यही बता रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ना, आप अपने पर्सन के लिए जो है काफी अट्रैक्टिव है। थर्ड पार्टी जो है ना, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी भी जो है कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में जो है ना, मैंने कहा कि एनर्जी वाइज वर्षा हो सकती है, यानी कि ये वाली एनर्जी उनकी और ये वाली एनर्जी आपकी हो सकती है, ठीक है। सो उसी तरह लेना आप लोग, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट भी करेगी। सो द डेविल का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि आप जो है ना किसी चीज में खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। ऐसा लगेगा ना कि किसी ने आपको बांध दिया है। मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक देख करके भी बताया कि ये वाली एनर्जी जो है आपकी हो सकती है। ऐसा लगेगा कि मैं निकलना तो चाह रहा हूँ लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको ऐसा लगेगा ना कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के इन नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के लिए। वहीं आपके पर्सन की बात करें तो यहाँ पे द चैरियट का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन जो है ना एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं। द हैंगमैन का कार्ड आया है, वो सोच रहे हैं, ठीक है, वो बहुत सोच रहे हैं। आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं,
वो स्टक पड़े हुए हैं लेकिन एक्शन लेना चाहते हैं, देखिए आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन जो है नेक्स्ट 48 आवर्स में ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी सोचेंगे और नेक्स्ट 48 आवर्स में ना आपकी तरफ जो है ना मूव करेंगे, मतलब कि आपको कॉल या मैसेज जो है ना उनका आ सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना ये नेक्स्ट 48 आवर्स में एक्शन लेंगे आपके साथ जो है ना, उन्हें जाना है, मतलब आपके साथ जो है उन्हें अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड आया है। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आपके साथ उन्हें शादी चाहिए, आपके साथ जो है ना वो कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, कमिटमेंट अगर नहीं भी देते हैं ना तो कम वो बात एकदम नेक्स्ट 48 आवर्स में ना बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनके पर्सन उनको कॉल करेंगे। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पर्सन जो है आपको अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं और वो एक्शन भी लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एक्शन लेंगे आपके पर्सन, और यहाँ पे जो है ना ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है अब एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, सब चीज अच्छा करना चाहते हैं, आपके साथ जो है ना उन्हें आगे बढ़ना है, बस उन्होंने उन्हें उनके माइंड में ये चल रहा है कि आपके साथ उन्हें आगे बढ़ना है और किसी के साथ नहीं बढ़ना है। ठीक है, सो थर्ड पार्टी ही आपकी तरफ है या उनकी तरफ है, लेकिन जो है ना जैसा कि मैंने कहा कि एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो है ना आपकी तरफ जो है मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सारे ही कार्ड्स मुझे पॉजिटिव ही आए हैं। सो मैं वही बोलूंगी जो कार्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है, वही मैं आपको बताऊंगी। सो आपके पर्सन जो है ना कुछ निगेटिविटी है लेकिन वो निगेटिविटी काम नहीं करेगी, क्योंकि और भी सारे कार्ड्स जो है ना पॉजिटिव हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ मून भी मुझे यही बता रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके लिए आपके साथ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए वो फील करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए वो एक्शन लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, तो ओवरऑल एनर्जी तो मुझे आपके पर्सन की ये दिख रही है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी तरफ वो एक्शन लेने के मूड में है। ठीक है, सो चलिए हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। सो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मुझे ना 3-3 बहुत दिखाई दे रहे हैं। 3-3-3 देखिए मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ है 3, यहाँ पे है 3, दिख रहा है ना, और कार्ड पे भी देखिए यहाँ पे है 3, और इसका भी मतलब क्या हुआ, थर्ड पार्टी। सो थर्ड पार्टी जो है ना यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो देखते हैं क्या मैसेज है आपके पर्सन आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो इतने कार्ड्स तो मैं नहीं लूंगी, सो देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग मैसेज। सो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे जो पहला कार्ड है आई लव यू, उसके बाद है जॉयफुल, योर जॉयफुल हार्ट इज गुड मेडिसिन फॉर मी, आपकी जो जॉयफुल हार्ट है ना वो उनकी मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन। प्रीसियस, यू आर सो प्रीसियस टू मी स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइन। उसके बाद है आई गॉट नम वैन यू किस मी। सो ये रहे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेज। सो चलिए अब हम रीडिंग को यहीं समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं दूसरे पाइल की तरफ। सो गाइज, जिनके साथ रेजोनेट करती है, जिनको अच्छी लगती है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। सो हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है एनवी का, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं पहले हम आपकी फीलिंग को चेक करेंगे और उसके बाद आपके पर्सन की फीलिंग को चेक करेंगे, इन नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या फीलिंग रहने वाली है आप दोनों की। और गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, ये बात भी आप लोग ख्याल रखें, कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो हुआ ही नहीं, आपने बोला लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ये भी तो देखो ना कमेंट में
बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हो जाता है। सो पहला कार्ड आ गया है हमारे पास और कार्ड्स हम निकालते हैं। चलिए बॉटम ऑफ द डेक द फूल। सो आपने मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने ना सब भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। आप चाहते हैं ना कि सब भगवान जो है ना अब ठीक करेगा। आप बिगनिंग तो करना का चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं उनके साथ, लेकिन इसके साथ ही आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे सब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जैसा हो ना, जो भी हो ना, वो सही होगा और वही सब ठीक करेंगे। तो उन्हें आपको ना उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, मतलब कि भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा है आपको। सो ये मुझे दिख रहा है। और चलिए अब हम आपके पर्सन के कार्ड्स निकालते हैं, एस्ट्रोलॉजर। सो 5 और ये रहा 4, 5, 6 कार्ड्स निकल गया मेरे से। 2 यहाँ पे पहले से हैं। सो मैं इन 2 कार्ड्स को चलिए ले लेती हूँ मैं, क्योंकि निकल चुके हैं कार्ड्स, पता नहीं कुछ एनर्जी छुपी हो। सो यहाँ पे जो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक। सो चलिए मैं पहले आपकी एनर्जी देखती हूँ, उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी देखूंगी मैं। सो यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 8 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है द डेविल। इसमें भी द डेविल, फर्स्ट कार्ड में भी ना, फर्स्ट पाइल में भी द डेविल का ही कार्ड आया था। सो ये 2 कार्ड तो आप लोगों ने देख ही लिए। सो मैं इनको यहीं पे रख देती हूँ और यहाँ पे है द एम्प्रस, द पेप्स, ओके, उसके बाद है फर्स्ट ऑफ स्पेयर, ओके, लेडी, द एम्प्रेस, और कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ स्टार। सो आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे अच्छे से मेरे ख्याल से। सो यहाँ पे मैं पहले आपकी एनर्जी की बात करती हूँ, क्या रहने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि आपकी जो है ना एनर्जी काफ़ी सैड अभी भी होंगे और नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आपकी एनर्जी यही रहने वाली है कि आप काफ़ी जो है ना सैड रहने वाले हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा ना कि अब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना है तो कैसे करना है। ठीक है, सो आपको एक निराशा टाइप जो है ना महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि करूं नहीं करूं। सो एक लगेगा ना कि मेरे हाथ से मेरी कोई कीमती चीज ना छूट चुकी है। सो ऐसी जो है ना फीलिंग आपकी रहने वाली है, या आपके पर्सन जो है ना आपको, आपकी पर्सन की बहुत ज़्यादा जो है ना आप बहुत मिस करने वाले हो अपने पर्सन की, पर्सन को, और आप बैलेंस चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, काफ़ी मेहनत भी करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे ट्रस्ट इशूज भी दिख रहे हैं। सो मेहनत करना चाहते हो आप, आगे बढ़ना चाहते हो उनके साथ, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि आप नेक्स्ट 48 आवर्स में ना अपने फीलिंग्स को काफ़ी बैलेंस करोगे। ठीक है, लगेगा कि मेरा उनकी तरफ झुकाव हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी फील करोगे कि मुझे बहुत लॉनली फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोई मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो उस चीज़ को ना बैलेंस करना चाहोगे अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस को। ठीक है, सो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और आप अपने रिलेशनशिप के लिए मेहनत भी करना चाहते हो, हार्ड वर्क करना चाहते हो, उस पर काम करना चाहते हो, उसको सही करना चाहते हो। ठीक है, और ट्रस्ट इश्यूज, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रस्ट इश्यूज भी हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। सो मुझे यहाँ पे जो है ना ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, थोड़ा जो है ना आप अपने पर्सन को पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, और सोशल मीडिया पे ना आप स्टक भी करोगे अपने पर्सन को, हमेशा चेक करोगे कि कब आ रहा है ऑनलाइन, कब नहीं आ रहा है।
कहाँ बिजी है, क्या है। सो एक नजर बना के जो है ना आप अपने पर्सन पे रखने वाले हो। और यहाँ पे मुझे निगेटिविटी ज्यादा दिख रही है आपके जो है ना, आप लोगों के रिलेशनशिप में निगेटिविटी बहुत ज्यादा दिख रही है। सो ऐसा लग रहा होगा ना आपको कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है। सो कंट्रोलिंग इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। निगेटिव, आपका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। सो आप उसी चीज में ना फंसे रहोगे और वही निगेटिविटी आप पे हावी होगी, ठीक है। और तो मुझे यही दिख रहा है कि आप इन सब चीजों को ना बैलेंस करोगे और उसके बाद ना भगवान के ऊपर छोड़ दोगे कि जो करना है ना तुझे कर, तू कर, मैं सहने को तैयार हूं, ठीक है। सो जो करना है करो, सब चीज सही करो, ठीक है। ये वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। तो चलिए अब हम आपके पर्सन की बात करते हैं, क्या रहेगी उनकी फीलिंग। सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं मैं आपको उस एक्सप्लेन करती हूँ। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। अपने रिलेशनशिप में वो सक्सेस चाहते हैं, आपके लिए जो है ना वो एक्शन लेना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे थ्री ऑफ स्टार का भी कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि काफी जो है ना वो भी परेशान है, काफी परेशान रहने वाले हैं। इन 48 आवर्स में ना उनकी ऐसी फीलिंग रहेगी ना, बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, स्ट्रेस होगा, हो सकता है ना इतनी आपकी याद आए ना कि वो है उनके आंख से आंसू भी निकल सकते हैं, मतलब रोने भी लगेंगे वो। कभी कभी ऐसी याद आती होगी ना उन्हें कि वो रोने भी लगेंगे। और बहुत पेनफुल जो है ना, बहुत पेनफुल सिचुएशन उनकी रहने वाली है। और आपके पर्सन जो है अपनी फैमिली को ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं और फैमिली वो चाहेंगे अपनी फैमिली के पास वापस आना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है ना कि आप लोग का रीयूनियन होने वाला है, ठीक है। ये कार्ड भी मुझे बता रहा है, ये सारे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं ना कि आप लोग का रियूनियन होने वाला है और आपके पर्सन जो है ना आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी मैरिड कपल है ना, सो उनके लिए गुड न्यूज आ सकती है बच्चे के हवाले से। सो यहाँ पे द पेप्स का भी कार्ड जो है वही मुझे बता रहा है। सो आप लोग की फैमिली जो है ना वो बढ़ने वाली है और जो अनमैरिड हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, उनका रियूनियन होने वाला है। आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, आपको जो है ना वो बताने वाले हैं अपनी फीलिंग्स, ठीक है। उनके माइंड में ना रोज यही सब चलता है, कैसे चीजों को सही करना है, कैसे सही करूं, अपने रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करूं। वो इधर आप भी बैलेंस करना चाहते हैं और आपके पर्सन भी बैलेंस करना चाहते हैं। दोनों की एनर्जी जो है ना सेम मुझे यहाँ निकल के आई है। यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, देखिए इतना आगे बढ़ना चाहते हैं ना कि उन्हें आपसे शादी करनी है, ठीक है। सो आपको जो है ना उनके तरफ से कमिटमेंट जो है ना मिलेगा अपने पर्सन की तरफ से। और द एम्प्रेस का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए काफी अट्रैक्टिव है, आप बहुत खूबसूरत होंगी, ठीक है। आपके लिए जो है ना उनकी कनेक्शन डीप है, आपके लिए वो डीप लव फील करते हैं, डीप फीलिंग्स हैं आपसे उनकी। सो ये जो है ना फीलिंग उनकी रहने वाली है और इसी कारण से ना उनको जो है ना ये आपकी बहुत ज्यादा याद आने वाली है, उनको बहुत ज्यादा। सो आपसे बात ना होने का भी उन्हें दुख होगा कि मेरे पर्सन से मुझे बात नहीं हो रही है और इस कारण से वो ना बहुत दुखी रहने वाले हैं। उन्हें समझ में नहीं आने वाला है कि कैसे इस सिचुएशन से डील करूं, कैसे बाहर निकलूं, ठीक है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये आपके पर्सन की फीलिंग रहने वाली है, ठीक है। सो चलिए हम देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपके लिए, क्या मैसेज है देखते हैं।
चलिए इतना देखते हैं। सो क्या मैसेज है? हेवन, हेवन इज अ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू। स्वर्ग जो है ना, स्वर्ग आपके साथ उन्हें फील होता है, स्वर्ग में जैसे हैं वो वैसे आप। लकी, आई एम लकी टू हैव यू। आपको पाकर ना वो खुद को लकी समझते हैं। ड्रीम, यू आर माई ड्रीम डेट कम्स ट्रू। आप उनकी ड्रीम है जो सच होंगी। और यू आर सच अ अडोरेबल पर्सन। ठीक है, सो ये रहा आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए। सो गाइज, जिनके साथ ये रेजोनेट करता है प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।